कॉन्फिडेंस। आपका चौथा चैप्टर जो है वो शुरू हो चुका है और हमने कुछ ऑनलाइन क्लास भी ऑर्गेनाइज किया और उसमें हमने हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड तक पढ़ लिया है, तो वेस्ट बंगाल और असम बाकी है। लेकिन मैं जो वीडियो बना रहा हूँ आपको, पंजाब वाला मैंने वीडियो बना के दिया था, तो ये हरियाणा से ही जो है हम आपको बताने वाले हैं फिर से। तो ये जो है वीडियो आप लोग देखिएगा ताकि आप लोग सीख सकें घर पे अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये चैप्टर शुरू करते हैं। आपका पहले जो पंजाब के बारे में हमने जो कुछ बताया था उसे दो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये दोनों का जवाब आप लोग लिख करके जरूर दीजिएगा। अब हरियाणा स्टेट के बारे में हम लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं, समझते हैं। हरियाणा ए नेबर ऑफ पंजाब, हरियाणा जो है पंजाब का क्या है, पड़ोसी है। सराउंड्स दिल्ली ऑन थ्री साइड्स, दिल्ली जो है को यह तीन ओर से क्या करता है, घेरे रहता है। द कैपिटल ऑफ हरियाणा इज चंडीगढ़, हरियाणा का कैपिटल क्या है, चंडीगढ़ है। द क्लाइमेट ऑफ द स्टेट इज हॉट इन द समर एंड कोल्ड इन द विंटर, हरियाणा का जो आपका क्लाइमेट है वो समर के समय हॉट होता है, गर्म होता है, और विंटर के समय आपका ठंडा होता है। रिवर यमुना फ्लोज इन इट्स ईस्टर्न पार्ट वाइल रिवर घग्गर इज अ सीजनल रिवर, घग्गर जो है वहां का सीजनल रिवर है, यानी कि जब रेनी सीजन आता है, मानसून सीजन, तो घग्गर में पानी भर जाता है। वहीं यमुना जो है वह हिमालय से आती है डायरेक्ट, तो वो लगातार बहती रहती है। लाइक पंजाब इन हरियाणा ऑल्सो द पीपल आर मेनली डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर एंड लाइफ स्टॉक रियरिंग, यहाँ पे भी जो है यहाँ के लोग एग्रीकल्चर करना पसंद करते हैं और एनिमल रियरिंग जो होता है, ठीक है, वो करना पसंद करते हैं, जैसे कि पंजाब में करते हैं लोग। वीट एंड राइस आर द मेजर क्रॉप्स, वीट और राइस जो है यहाँ का मुख्य फसल है जो कि लोग लगाते हैं। मेनी सिटीज ऑफ हरियाणा सच एज पानीपत, फरीदाबाद एंड गुड़गांव हैव लॉट्स ऑफ इंडस्ट्री ऑफ और ऑफिसेस ऑफ बिग इंटरनेशनल कंपनीज, बड़े बड़े कंपनियों का जो है यहाँ पे हरियाणा में आपका कंपनी का जो है बैठा हुआ है, क्या इंडस्ट्री बैठा हुआ है। और यहाँ जो है गुड़गांव में, फरीदाबाद में, ये सब जगह पे कुछ ज्यादा ही इंडस्ट्री है, इसलिए यहाँ पर क्या है, इंटरनेशनल कंपनी लोग जो है अपना बिजनेस चलाते हैं। एमोंग अदर फेमस सिटीज ऑफ हरियाणा आर पंचकुला, रोहतक, ईटीसी। इन सबों के अलावा जो है कुछ मुख्य सिटी हैं, जैसे कि हरियाणा का है सिटी पंचकुला है, रोहतक है, ये सब भी जो है मुख्य सिटी हरियाणा में है। दी वुमेन इन हरियाणा वियर अ चुनर ऑन देयर हेड, वहाँ की जो औरतें हैं वो माथे पे चुनर ओढ़ती हैं। दे वियर अ कुर्ती अ स्कर्ट लाइक ब्लाउज, वो कुर्ती भी पहनती हैं और उनका जो ब्लाउज होता है स्कर्ट का, स्कर्ट के जैसा होता है वो पहनती हैं। देयर दामन इज एन एंकल लॉन्ग स्कर्ट, मैन वियर धोती कुर्ता, दामन क्या होता है, एक एंकल नीचे, ठीक है, एड़ी तक जो है वो ढका होता है एक स्कर्ट, वही उसी को हम लोग दामन कहते हैं, और मेन लोग जो पहनते हैं वो धोती कुर्ता पहनते हैं, ठीक है। तो हरियाणा के बारे में ये सारी जानकारी आपको मिली। अब दिल्ली के बारे में देखते हैं, ठीक है। दिल्ली द सिटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर यमुना, यमुना के किनारे में आपका ये दिल्ली जो है स्थित है। इट इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, ओल्ड दिल्ली एंड न्यू दिल्ली, यह दो पार्ट में डिवाइड है, ओल्ड दिल्ली और न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, इंडिया का कैपिटल न्यू दिल्ली है ना कि ओल्ड दिल्ली। दिल्ली इज फेमस फॉर इट्स हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट एंड रिलीजियस प्लेसेस,
दिल्ली में जो है कई सारे जो है हिस्टोरिकल प्लेस हैं, मॉन्यूमेंट हैं जो देखने लायक हैं, और रिलीजियस प्लेस जो धार्मिक स्थल है वो भी कई सारे हैं। एमो दीज मॉन्यूमेंट्स आर रेड फोर्ट। मॉन्यूमेंट में देखिए कौन कौन सा है, तो ये आपका रेड फोर्ट है, जामा मस्जिद है, आपका हुमायूं टॉम्ब है, ठीक है, उसका इंडिया गेट है, जंतर मंतर है, उसके बाद पुराना किला है। ये सारा जो है आपका वहाँ दिल्ली में आपको घूमने का भी जगह है, जिसको हम मॉन्यूमेंट बोलते हैं, ठीक है। दी समाधि ऑफ महात्मा गांधी नोन एज राजघाट इज इन दिल्ली। दिल्ली में जो महात्मा गांधी की समाधि स्थल है समाधि स्थल, उसको हम लोग राजघाट जो है कहते हैं, और वहां पे घूमने भी जाते हैं। चलिए अब देखते हैं, द पब्लिक मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन दिल्ली आर द डीटीसी बसेस एंड मेट्रो ट्रेन्स। वहां के लोगों का जो है मुख्य जो है ट्रेवल करने का जो है आपका जरिया वो क्या है, वो मेट्रो ट्रेन है, और बस वगैरह डीटीसी का जो है दिल्ली सरकार का वहां पे चलता ही रहता है। दी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज द मेन एयरपोर्ट। वहां पे इंदिरा गांधी एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है। द पीपल ऑफ दिल्ली सेलिब्रेट ऑल फेस्टिवल्स एंड स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस। दिल्ली के लोग जो हैं वो सभी फेस्टिवल को क्या करते हैं, मनाते हैं, कोई ऐसा फेस्टिवल नहीं है जो नहीं मनाते हैं, सभी मनाते हैं, और लैंग्वेज भी उनका क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है, क्योंकि सभी स्टेट के लोग वहां आके रहते हैं, तो सभी स्टेट के लोग अपना अपना लैंग्वेज बोलते हैं। दी मैन वियर स्कर्ट एंड ट्राउजर एंड द वुमेन वियर सारीज एंड सलवार कमीज। महिलाएं जो पहनती हैं वो साड़ी पहनती हैं या फिर सलवार कमीज, और मेन जो पहनते हैं वो क्या पहनते हैं, शर्ट पहनते हैं और ट्राउजर वगैरह पहनते हैं। तो ये हो गया आपका दिल्ली का लाइफ स्टाइल। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं आपका उत्तर प्रदेश के बारे में, और हमने अभी हरियाणा और दिल्ली के बारे में बताया, तो ये आपका जो है क्वेश्चन यहाँ पे है बन रहा है, दो क्वेश्चन है, इसका जवाब आप लोग लिख करके जरूर दीजिएगा। चलिए उत्तर प्रदेश के बारे में देखते हैं। उत्तर प्रदेश इज द मोस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ इंडिया। उत्तर प्रदेश भी क्या है, बहुत ही फेमस स्टेट है इंडिया का। इट्स कैपिटल इज लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। द क्लाइमेट ऑफ द स्टेट इज हॉट इन द समर एंड कोल्ड इन द विंटर। यहाँ भी क्या है, ठंड के समय ठंड पड़ती है, तो वहीं गर्मी के समय गर्मी भी पड़ती है। मैनी इंपॉर्टेंट रिवर्स सच एज गंगा एंड यमुना फ्लोज हियर। यहाँ पर कई सारे इंपॉर्टेंट रिवर भी फ्लो करते हैं, जैसे कि गंगा, यमुना, ठीक है, ये सारा जो है उत्तर प्रदेश में भी बहता है। वाराणसी, अयोध्या, मथुरा एंड अलाहाबाद आर इंपॉर्टेंट होली सिटीज सिचुएटेड ऑन रिवर बैंक। नदियों के किनारे, रिवर बैंक मतलब नदियों के किनारे स्थित जो ये आपका वाराणसी, अयोध्या, मथुरा और अलाहाबाद है, ये होली सिटीज कहलाते हैं। कहने का मतलब आपका प्रसिद्ध जो है आपका स्थल कहलाते हैं, जहाँ पे घूमने का जगह होता है, ठीक है, होली सिटीज। उसके बाद कुंभ मेला इज अ पॉपुलर हिंदू पिलग्रीमेज दैट इज हेल्ड इन इलाहाबाद। इलाहाबाद में हिंदुओं का जो है एक स्थल है, पिलग्रिम स्थल है, वो क्या है, वहां पे कुंभ मेला लगता है, ठीक है, और वो 12 साल में एक बार लगता है, तो वहां लोग स्नान करने जरूर जाते हैं कुंभ के समय। तो दी अदर बिग सिटीज ऑफ उत्तर प्रदेश आर कानपुर, आगरा, गाजियाबाद एंड नोएडा। ये सारे चारों जो हैं आपका स्टेट जो है वो मुख्य स्टेट हैं आपके उत्तर प्रदेश का। आगरा इज फेमस वर्ल्ड वाइड फॉर इट्स मार्वेलस मॉन्यूमेंट ताजमहल। आगरा में ताजमहल है, आप लोगों को पता है, और ये आपका मार्बल का बना हुआ है, और बहुत ही अच्छा देखने में और घूमने वाली जगह में से एक है।
एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन इन द स्टेट। एग्रीकल्चर जो है उत्तर प्रदेश का जो है मेन ऑक्यूपेशन है, रोजगार का मेन जरिया है। देयर आर ऑल्सो मैनी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री दैट मेक लेदर प्रोडक्ट्स, बैंगल्स एंड पोट्री। यहाँ जो है कई सारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हैं, लघु उद्योग हैं, जो कि चमड़े से बना सामान बनाते हैं, बैंगल्स आपका चूड़ियाँ वगैरह बनाते हैं, और मिट्टी के बर्तन, पोट्री मतलब होता है कुम्हार जो मिट्टी का बर्तन बनाता है, उसी को हम पोट्री बोलते हैं। तो मिट्टी के बर्तन बना करके अपना जीवन यापन करते हैं। द पीपल ऑफ उत्तर प्रदेश स्पीक हिंदी एंड उर्दू। हिंदी और उर्दू दोनों ही भाषा यहाँ पे बोली जाती है उत्तर प्रदेश में। कथक एक क्लासिकल डांस ओरिजिनेटेड इन द स्टेट। कथक जो कि क्लासिकल डांस है और बहुत ही प्रसिद्ध डांस है, वो यहीं से ओरिजिनेट हुआ है, उत्तर प्रदेश से ही। एमोंग द पॉपुलर फेस्टिवल्स ऑफ द स्टेट आर दिवाली, होली, तीज एंड ईद। उत्तर प्रदेश में मनाया जाने वाला जो होली फेस्टिवल है वो आपका कुछ कुछ है क्या, दिल्ली है और होली, तीज और ईद है। बिहार, अब आते हैं बिहार के बारे में पढ़ते हैं। बिहार तो आपका बिहार, बिहार इज इन ईस्टर्न इंडिया। आपका बिहार कहाँ है, इंडिया के ईस्टर्न साइड में है, ईस्ट साइड में है। पटना इज द कैपिटल ऑफ द स्टेट। पटना यहाँ का कैपिटल है। और क्या है, बिहार इज माइल्ड कोल्ड इन द विंटर एंड हॉट इन द समर। ये विंटर के समय तो कोल्ड होता ही है, ठीक है, और समर के समय हॉट भी होता है। दी स्टेट गेट्स गुड रेनफॉल। यहाँ जो है रेनफॉल भी अच्छा खासा हो जाता है बिहार में। एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन। यहाँ का जो है रोजगार क्या है, एग्रीकल्चर है। राइस, कॉर्न एंड सुगर कैन आर द मेन क्रॉप्स, ठीक है। चावल हो गया, मक्का हो गया और सुगर कैन, आप जो ईख वगैरह उगाते हैं वो जो है यहाँ का मेन क्रॉप्स है। दी डेयरी इंडस्ट्री इज ऑल्सो रन इन सम पॉकेट्स ऑफ द स्टेट्स। यहाँ पे कुछ स्टेट ऐसे हैं, ठीक है, जहाँ पर की डेयरी इंडस्ट्री भी जो है वह हम देख सकते हैं वहाँ पे रन कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जैसे कि मधुबनी है, मधुबनी में मधुबनी पेंटिंग्स जो है वो बहुत ही फेमस है। मधुबनी पेंटिंग्स ऑफ द स्टेट आर वर्ल्ड फेमस। ये जो है वर्ल्ड फेमस है मधुबनी पेंटिंग। छठ इज द मेजर फेस्टिवल ऑफ बिहार। छठ पूजा जो है सबसे ज्यादा आस्था का पर्व जो है यही छठ पूजा है, जो कि बिहार में मनाया जाता है। तीज हुआ एंड चित्रगुप्त पूजा हुआ, ठीक है, ये सब जो है यहाँ पे लोकल फेस्टिवल है यहाँ का। उसके अलावा क्या है आपका, श्रावणी मेला जो लगता है आपका, और सोनपुर में कैटल वाला जो फेयर लगता है, मेला लगता है, वो भी यहाँ जो है प्रत्येक साल लगता है और बहुत ही फेमस और अट्रैक्टिव होता है। इसके अलावा क्या है यहाँ पे, लॉर्ड बुद्धा अटेंड इनलाइटनमेंट इन बोध गया विच इज एन इम्पोर्टेंट पिलग्रिम सेंटर। बुद्ध जो अपना इनलाइटनमेंट मतलब कि ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बुद्ध को, वो कहाँ हुआ था, तो गया में एक बौद्ध वृक्ष के नीचे हुआ था। तो उसके बाद से क्या हो गया, ये पिलग्रिम स्थल हो गया है, ठीक है, तो यहाँ पे घूमने का जगह हो गया है। पीपल इन बिहार स्पीक भोजपुरी, हिंदी एंड उर्दू। बिहार में रहने वाले लोग भोजपुरी तो बोलते ही हैं, हिंदी उर्दू सब बोलते हैं। दी स्टेपल फूड इज राइस, लेंटिस्ट लेंटिल्स, व्हीट फ्लोर, वेजिटेबल्स एंड पिकल्स। यहाँ का जो स्टेपल फूड है, जनरली जो खाया जाने वाला है, ज्यादातर जो खाया जाने वाला फूड है वो चावल है, राइस है, लेंटिल्स दाल होता है, ठीक है, एक प्रकार का दाल होता है जिसको लोग खाते हैं, ठीक है। उसके बाद व्हीट फ्लोर,
आपका जो है गेहूं का जो आटा है वो खाते हैं। उसके बाद वेजिटेबल है, पिकल है, पिकल मतलब होता है अचार, अचार खाते हैं। दी फेवरेट डिशेस ऑफ बिहारीज आर लिट्टी चोखा एंड कड़ी बड़ी। बिहारी का जो फेवरेट डिश है वो क्या है, लिट्टी चोखा है और कड़ी बड़ी है। हम लोग कड़ी बनाते हैं, देखते हैं दही खराब हो रहा है तो हम लोग कड़ी बना लेते हैं। तो इस तरह से ये आपका पूरा बिहार का आपका ब्यौरा दिया हुआ है पूरा, और इसका क्वेश्चन आंसर आप कर ही लेना। इधर क्वेश्चन आप हमने दिया हुआ है पिछले दो जो हमने बताया स्टेट उसका जो है क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है दो, और आगे देखते हैं कौन सा है। तो आपका आगे है झारखंड, आगे क्या है झारखंड। बिहार हमने देख लिया, अब झारखंड के बारे में देखेंगे। अब हम लोग झारखंड के बारे में पढ़ेंगे। झारखंड जो है वह आपका बिहार से ही अलग हुआ है, और ये स्टेट जो है बिहार से अलग होने के बाद फुल जो है स्वायत्त स्टेट बन गया, और कई सारे स्टेट जैसे कि यहाँ पर स्थित हैं वो छोटा नागपुर प्लेटू के पास हैं। और इंडस्ट्री की बात करें तो कुछ इंडस्ट्रियल एरिया जो है, सिटी जो है वह यहाँ पर है, और रांची उनमें से इनका कैपिटल है झारखंड का। उसके बाद इंडस्ट्री एरिया जहाँ की जमशेदपुर है, बोकारो है, सिंदरी है, और हजारीबाग, धनबाद, ये सभी इंडस्ट्री एरिया है। और जमशेदपुर में टाटा का जो स्टील प्लांट बैठाया गया वो पहला स्टील प्लांट था इंडिया का, ठीक है। और झारखंड इज फेमस फॉर इट्स मिनरल वेल्थ एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट। झारखंड जो है मिनरल वेल्थ और फॉरेस्ट प्रोडक्ट के लिए जो है वो क्या है, फेमस है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो नेशनल पार्क है वो कौन सा है, तो दी बेटला नेशनल पार्क। यहाँ पे कौन सा पार्क है, नेशनल पार्क बेटला, हजारीबाग में है, जो कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है कहलाता है झारखंड का। यहाँ टूरिस्ट लोग घूमने भी आते हैं। मैनी ट्राइब्स लिव इन झारखंड, झारखंड में कई सारी जनजाति के लोग रहते हैं। अब आते हैं वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल इज एन ईस्टर्न इंडिया, इंडिया के ईस्टर्न पार्ट में आपका क्या पड़ता है, वेस्ट बंगाल पड़ता है। और वेस्ट बंगाल का वैसे कैपिटल आप क्या होता है, कोलकाता है वेस्ट बंगाल का कैपिटल। और अदर अगर हम बोले यहाँ पर जो स्टेट वगैरह सब हैं, सिटीज हैं, वो आपका सिलीगुड़ी है, आपका दुर्गापुर है, उसके बाद रानीगंज है और खड़गपुर है। ये सब स्टेट यहाँ पर वेस्ट बंगाल के हैं, और क्लाइमेट यहाँ का जो है हॉट और ह्यूमिड टाइप का होता है। और समर के समय में यहाँ पे जो है थंडर स्टॉर्म मतलब कि मूसलाधार बारिश होने के साथ साथ जो बादल गरजने का काम होता है वो भी यहाँ पे होता है। और काल बैसाखी जो होता है यहाँ का मुख्य जो है वो कह लो कि पर्व होता है, जो कि वो लोग समर के समय मनाते हैं। उसके बाद एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन, ये एग्रीकल्चर यहाँ का भी मेन ऑक्यूपेशन है वेस्ट बंगाल का। और यहाँ पे क्या क्या उपजाया जाता है, तो राइस जो है यहाँ का जो है स्टेपल फूड है, प्रिंसिपल फूड है राइस। उसके बाद जूट जो है यहाँ पे मेन कैश क्रॉप्स है। अब आते हैं ट्राइबल्स, ठीक है। तो ट्राइब्स सच एज संथालीज, संथाल जो है यहाँ के लोग जो है ट्राइब हैं, कोल है, उसके बाद आपका कोच, राज, बंसुई, उसके बाद एंड टोटा ऑल्सो लिव इन दी स्टेट। यहाँ पे कुछ ट्राइब का नाम दिया हुआ है, ट्राइब सच एज संथाल्स, कोल, कोच, राज, बोंसुई, उसके बाद है टोटो, ये सभी ट्राइब के नाम यहाँ पे हैं। उसके बाद दी ऑफिशियल लैंग्वेज इज बंगाली, बंगाली यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज है, और राइस और फिश जो है यहाँ का जो है फेवरेट फूड भी है। उसके बाद बंगालीज लव स्वीट्स लाइक रसगुल्ला, रसगुल्ला जो है बंगाली लोग पसंद करता है। उसके बाद सौंदेश में आपका रसगुल्ला ही जाता है,
ओके भालो, देखो दुर्गा पूजा जो होता है यहाँ का फेस्टिवल है, पॉपुलर फेस्टिवल है। ओके, और रविंद्र संगीत जो है वो बंगाली में बहुत ही पॉपुलर संगीत माना जाता है। अब आते हैं असम की ओर। असम इज अ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया। इट्स कैपिटल इज दिसपुर। यहाँ का कैपिटल क्या, कहाँ है? दिसपुर है असम का कैपिटल। असम रिसीव हाई रेनफॉल। असम जो है वो रेनफॉल रिसीव करता है, वो भी हाई रेनफॉल रिसीव करता है। और यहाँ के जो पीपल है, यहाँ पे रहने वाले लोग जो हैं वो बाढ़ का अक्सर शिकार भी हो जाते हैं, फ्लड्स का शिकार हो जाते हैं। असम इज पॉपुलर फॉर इट्स टी प्लांटेशन। यहाँ पर जो है चाय की खेती बहुत ज्यादा होती है और ये इसके लिए प्रसिद्ध है। एग्रीकल्चर कैन एंड बेम्बू क्राफ्ट आर इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन। यहाँ पर जो एग्रीकल्चर किया जाता है उसमें बेम्बू करने का मतलब बांस की खेती ज्यादा से ज्यादा होती है, और उसी बांस से जो है तरह तरह का जो है क्राफ्ट बनाया जाता है और उसे बेचा जाता है। तो यही जो है इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन उस लोगों का होता है जो वहां रहते हैं। दी स्टेट इज रिच इन वाइल्ड लाइफ। यहाँ के जो स्टेट हैं वो वाइल्ड लाइफ के लिए जो है वो प्रसिद्ध है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जंगल ज्यादा पाया जाता है तो जंगली जानवर भी ज्यादा पाए जाते हैं। इट हैज द काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ पर जो है एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है काजीरंगा भी स्थित है, जो कि प्रसिद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है, और यहाँ से कट गया है, कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ, आप लोग सुनिए। असमीज एंड बोडो आर द मेन लैंग्वेज स्पोकन बाय द पीपल। यहाँ के लोग दो भाषा बोलते हैं, बोडो और असमीज। उसके बाद बिहू इज एन इम्पोर्टेंट फेस्टिवल। यहाँ का जो है पर्व क्या है? बिहू। उसके बाद राइस इज द स्टेपल डाइट। चावल जो है वो खाना ज्यादा से ज्यादा पसंद करते हैं, स्टेपल डाइट है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट डे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।